अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेशन उसकी टाइप डिस्कस की थी। नेक्स्ट आज हमें देखना है कोऑर्डिनेटरी एक्शन कि एक कोऑर्डिनेटरी एक्शन जो है ये किस तरह से प्रोड्यूस होता है और इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं। कंपोनेंट्स अगर हम देखें कोऑर्डिनेटरी एक्शन के तो दे आर फाइव कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेटरी एक्शन। फर्स्ट है इसमें स्टिमुलस, सेकेंड सेप्टर, थर्ड कोऑर्डिनेटर, फोर्थ इफेक्टर, फिफ्थ रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या है? एनी चेंज इंटरनल और एक्सटर्नल, कोई भी तब्दीली जो किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर भी हो सकती है और बाहर भी, जो उस जानदार के अंदर रिस्पॉन्स पैदा करने के लिए ज़रूरी होती है, तो ऐसी तब्दीली को क्या कहा जाता है? स्टिमुलस। एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल हीट, प्रेशर, साउंड वेव्स, केमिकल्स, लाइट, माइक्रोबियल इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस एक्सेट्रा। ऐसी कोई भी तब्दीली जो किसी जानदार की बॉडी के अंदर या बाहर हो, जो उस जानदार के अंदर रिस्पॉन्स पैदा करे, वो तब्दीली क्या कहलाती है? स्टिमुलस कहलाती है। जैसे हीट, प्रेशर, साउंड वेव्स, केमिकल, लाइट, माइक्रोबियल इन्फेक्शन वगैरह। नेक्स्ट है रिसेप्टर। रिसेप्टर्स को सिंपली हम सेंस ऑर्गन्स भी कहते हैं। सेप्टर आर सेंस ऑर्गन्स, ऑर्गन सेल्स आर टिश्यू, ऑर्गन सेल्स आर टिश्यूज विच रिसीव स्टिमुलाई, जो किसको रिसीव करते हैं? स्टिमुलाई। रिसेप्टर्स कहलाते हैं। रिसेप्टर रिसीव से निकला है, वसूल करने वाले। फॉर एग्जाम्पल आईज, ईयर, नोज एक्सेट्रा। अब यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या हैं? इसके अंदर सेंस ऑर्गन्स यानी रिसेप्टर्स। आइज़ है तो आइज़ जो है वो डिटेक्ट करेंगी लाइट, यानी कि जो लाइट है, लाइट यहाँ पे क्या है? स्टिमुलस। और लाइट को डिटेक्ट किसने किया है? आइज़ ने। तो आइज़ क्या है इसके अंदर? रिसेप्टर। के लाइट को किसने रिसीव किया है? आइज़ ने। अगर हम ईयर की बात करें तो ईयर का काम क्या है? किसको डिटेक्ट करना? साउंड वेव्स को। साउंड वेव्स इसमें क्या है? स्टिमुलस। साउंड वेव्स किसने डिटेक्ट की हैं? ईयर ने। तो यहाँ पे ईयर क्या है? रिसेप्टर है और साउंड वेव क्या है? स्टिमुलस। नोज़ है, जितने भी केमिकल्स हैं हवा में, केमिकल्स इन एयर, केमिकल्स जो हैं उनको डिटेक्ट किसने करना है? नोज़ है। तो नोज़ यहाँ पे क्या है? रिसेप्टर। स्टिमुलाई को रिसीव करने वाले जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं? रिसेप्टर्स। थर्ड है कोऑर्डिनेटर्स। ऐसे ऑर्गन ऑर्गन्स विच रिसीव इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन वसूल करते हैं, कहाँ से? रिसेप्टर से। ऐसे ऑर्गन जो के कहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, रिसेप्टर से, तो इनको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स अब यहाँ पे हम दो तरह से देखेंगे, केमिकल, क्योंकि हमने टाइप्स थी कोऑर्डिनेशन की, नर्वस कोऑर्डिनेशन में कौन से कोऑर्डिनेटर्स हैं और केमिकल कोऑर्डिनेशन में कौन से कोऑर्डिनेटर, ये हम देखेंगे। नर्वस कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारे पास कोऑर्डिनेटर कौन है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या करती हैं? नर्व इम्पल्स जो हमारी बॉडी के अंदर पैगाम है, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन लेते हैं न्यूरॉन के जरिए। इसलिए ये क्या है? कोऑर्डिनेटर। हमारी बॉडी के अंदर जो पैगाम है वो किस फॉर्म में है? नर्व इम्पल्स की फॉर्म में। नर्व इम्पल्स की फॉर्म में न्यूरॉन्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन लेते हैं और आगे इसको ट्रांसमिट करते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन में अगर हम देखें तो केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर कोऑर्डिनेटर्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कोऑर्डिनेटर कौन है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन और मैसेज सेंड करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और मैसेज सेंड करते हैं केमिकल्स की फॉर्म में, और ये जो केमिकल्स हैं ये कहाँ से सिक्रीट होंगे? हार्मोन से। सिक्रीट होने के बाद ये कहाँ पे चले जाएंगे? ब्लड में। इस तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स, रिस्पॉन्स शो करने वाले जो पार्ट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है? असरा शो करने वाले, ऐसे पार्ट बॉडी के जो कोऑर्डिनेटर से इंफॉर्मेशन लेते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी विच रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स से इंफॉर्मेशन लेने के बाद इफेक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं रिस्पॉन्स, प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। इसमें भी हम देखेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन में इफेक्टर्स कौन कौन से हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन में अगर हम देखें तो जो न्यूरॉन है ये मैसेज है लेके जाती है कोऑर्डिनेटर्स के पास, न्यूरॉन्स मैसेज कैरी करती हैं, उसे किसके पास लेके जाती हैं? कोऑर्डिनेटर्स के पास। कोऑर्डिनेटर्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्पाइनल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। कोऑर्डिनेटर उसे आगे उन हिस्सों तक पहुंचाएंगे जहां पर रिस्पॉन्स शो होना होगा। कोऑर्डिनेटर्स इस मैसेज को मसल्स के पास और ग्लैंड्स के पास लेके जाएंगे। यहां पे मसल्स और जो ग्लैंड्स हैं ये क्या हैं? ये इफेक्टर्स हैं। इसी तरह अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में देखें तो यहाँ पे हार्मोन्स
मैसेज कैरी करेंगे। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स मैसेज को कैरी करेंगे और इसे कोऑर्डिनेटर के पास लेके जाएंगे। कोऑर्डिनेटर मतलब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, सॉरी यहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड नहीं, यहाँ पे हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, इसलिए केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेटर्स कौन है। यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स मैसेज को कैरी करेंगे और उसे कोऑर्डिनेटर के पास लेके, कोऑर्डिनेटर कौन होंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है आगे उसे लेके जाएंगे टिश्यूज के पास। तो यहाँ पे टिश्यूज जो है ये क्या है, इफेक्ट है। यहाँ पे जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो शो होगा। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स भी हैं जो इफेक्टर्स का काम करते हैं, नेफ्रॉन्स भी, बोन्स, लीवर वगैरह, ये भी बहुत सारे हार्मोन्स के लिए एज अ कोऑर्डिनेटर काम करते हैं। लास्ट कंपोनेंट है इसके अंदर स्पॉन्स। इंफॉर्मेशन को रिसीव करने से, कोऑर्डिनेटर से जब इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, ऑन रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटर से इंफॉर्मेशन वसूल करके इफेक्टर परफॉर्म करता है एक्शन। ये एक्शन जो है ये क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। कोऑर्डिनेटर से जब इंफॉर्मेशन जो है रिसीव हो जाती है तो इफेक्टर जो है पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करेगा। ये पर्टिकुलर एक्शन जो है ये क्या होगा, ये रिस्पॉन्स होगा। फॉर एग्जांपल पुलिंग आवर हैंड away from hot object, किसी गर्म चीज़ से अपने हाथ को पीछे खींच लेना, ये भी एक्शन जो है, जो हाथ आपने पीछे किया है ये एक्शन है। ये एक्शन क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्स। इसके अलावा दूसरी एग्जाम्पल भी यहाँ मैंशन की हुई हमने, मूवमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्लावर ऑफ सनफ्लावर टूवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ सनफ्लावर के जो फ्लावर है उनकी जो मूवमेंट है वो भी क्या है, वो भी रिस्पॉन्स है। इसको आपने अच्छी तरह से याद भी करना है और लिखना भी है। अल्लाह हाफिज़।